साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं पॉलिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? आपके विकल्प हैं आर्टिकल 74, आर्टिकल 75(1), 75(2) एंड 75(3). विकल्प फिर से सुनिए, अभी जो वर्तमान सरकार है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? विकल्प आपके हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74, 75(1), 75(2), 75(3). उत्तर है 75(3) के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, नो कॉन्फिडेंस मोशन किस हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है? जैसा कि आप जानते हैं कि दो सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपके सामने विकल्प है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, या इसको कोई एक सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है कि हमेशा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसको कौन प्रस्तुत कर सकता है? अविश्वास प्रस्ताव को कौन प्रस्तुत कर सकता है? केवल एक सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, केवल 11 सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं, केवल 10 सदस्य और केवल एक सदस्य और 40 सदस्यों के समर्थन के साथ प्रस्तुत हो सकता है, और एक सदस्य और 50 सदस्यों के समर्थन के साथ प्रस्तुत हो सकता है। तो उत्तर है, एक सदस्य जिसको 50 MP का समर्थन हासिल है वो लोकसभा में इसको प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न है कि किस अमेंडमेंट द्वारा एंग्लो इंडियन को जो लोकसभा और विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया? आपके सामने विकल्प हैं भारतीय संविधान का संविधान संशोधन अधिनियम 101, संविधान संशोधन अधिनियम 102, संविधान संशोधन अधिनियम 103, संविधान संशोधन अधिनियम 104। एंग्लो इंडियन का आरक्षण किसके द्वारा ख़त्म किया गया था? भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 101, संशोधन भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 102 और संशोधन अधिनियम 103, भारतीय संशोधन अधिनियम 104। उत्तर है, 104 के द्वारा जो है यह आरक्षण एंग्लो इंडियंस के लिए ख़त्म कर दिया गया था। कॉन्फिडेंस मोशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? विकल्प है, सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, दूसरा विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है, विश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल सरकार द्वारा खुद प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अब तक कितने विश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास में? अब तक कितने विश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं और जिनमें से उनको अगर छोड़ दिया जाए जो कि वोटिंग के लिए रखे गए थे, तो उनकी संख्या कितनी है? तो आपके सामने विकल्प हैं 22, 11, 10 और 13। उत्तर है 10। 11 प्रस्ताव कुल विश्वास प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें एक प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई है, इसीलिए 10 प्रस्ताव अब तक हुए हैं, और अगर उसको भी मिला दें जिसमें वोटिंग नहीं हुई तो 11 विश्वास प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत किए जा सके हैं। कितने ऐसे विश्वास प्रस्ताव हैं जिसको प्रस्तुत करने के बाद सरकारें गिर गई हैं? आपके विकल्प हैं 1990 में विश्वास प्रस्ताव, जिसमें प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, उन्होंने अपने उसमें सदन में रखा था। अगला 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार ने कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत किया था, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और इनमें से सभी। उत्तर है कि इनमें से सभी विश्वास प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए थे उनके फलस्वरूप सरकारें गिर गई थी। इसका मतलब है कि ये विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, विश्वास प्रस्ताव गिर गया था। विश्वास प्रस्ताव
जो है वो पारित नहीं हो सका, यानी बहुमत की संख्या नहीं थी, इसलिए सरकारों को इस्तीफा देना पड़ा। 1990 में वीपी सिंह सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, 1997 में एसडी देवगढ़वा की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और 1999 अटल बिहारी की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि संसद के उपबंधों के बिना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि भारतीय संविधान, भारतीय संसद अगर चाहे तो उसको भाषा बदल सकती है, अन्यथा जो हाई कोर्ट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी भाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। आपके सामने विकल्प हैं 347, 348 ए, 1A, 348 1B एंड 349। उत्तर है 348 1A। 348 1A में ये व्यवस्था की गई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे या जो भी वहाँ पे कामकाज होगा उसकी भाषा अंग्रेजी होगी, और अगर इनको अपना भाषा बदलना है तो इसके लिए संसद ही कानून बनाएगी, तभी हो पाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि जो भी लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा बिल वो जो है अंग्रेजी में ही होगा। और आपके सामने विकल्प हैं 347, 348 ए, 348 1A, 348 1B, 348 1C। उत्तर है 348 1B। अगला प्रश्न है, संविधान में किस संशोधन ने ये व्यवस्था की गई है कि प्राइमरी के जो बच्चे हैं वो मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। आपके सामने विकल्प है 348 ए, 349, 350 और 350 ए। उत्तर है 350 ए के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि जो बच्चे हैं जिनकी प्राइमरी एजुकेशन उनकी मातृभाषा में होगी, कहने का अर्थ अगर ये वो तमिल के हैं, तमिलनाडु में हैं तो तमिल उनकी मातृभाषा होगी, जो भी उनकी मातृभाषा है उसमें शिक्षा दी जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह दिया हुआ है कि राष्ट्रपति प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा दी जा रही है उसको बदल सकता है। यह आपके विकल्प हैं 348 ए, 349, 350 बी और 350 ए। उत्तर है 350 ए में व्यवस्था है। संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि भाषा जात अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। आपके सामने विकल्प हैं 348, 350, 350 ए, 350 बी और 351। उत्तर है 351 में ये व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति भाषा जात अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 348 बी पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया? आपके सामने विकल्प हैं 102, 101, 103, 104। ये कौन सा अधिनियम था? 102 था, 103 था, 104 था, जिसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, 338 बी बनाया गया है। उत्तर है ये 102 संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 338 अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया? 102, 103, 104 और 89। उत्तर है 89वें संविधान संशोधन द्वारा ये बना था। अगला प्रश्न है, 338 बी जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग बना है, उस आयोग में 338 बी जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग बना है वो आयोग किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? 102, 103, 104, 89। उत्तर है 89वें संविधान संशोधन द्वारा 338 बी जनजातियों के लिए आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो और चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, इन सब में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, कुल कितने लोग इसमें होते हैं? आपके सामने विकल्प हैं 3, 5, 4, 6। उत्तर है 5, इसमें कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति होते हैं इस कमीशन में, इसमें जिसमें 3 सदस्य होते हैं और एक चेयरमैन होता है, दूसरा वाइस चेयरमैन होता है, इस तरह से 5 लोग होते हैं। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति
का राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। अब आइए कुछ हम संविधान के अनुच्छेदों को ले लेते हैं, जिसमें संक्षेप में आपको हम बताते चलेंगे कि संविधान इस अनुच्छेद में क्या है, उसकी हेडलाइन हम आपको बताएंगे। तो 53 में भारत के राष्ट्रपति का, 52 में 53 भारत के राष्ट्रपति का जिक्र है, और 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियुक्त होगी, और 54 में ये कहा गया है कि किस प्रकार से उसका चुनाव होगा, चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे। भाग लेने वालों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेंगे। और 55 में है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी। और इसके बाद 56 में यह है कि 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होगा, और 57 में यह है कि वो पुनः री इलेक्शन उसका हो सकता है, पुनः वो उम्मीदवार बनाया जा सकता है या बन सकता है। और 58 में उसकी योग्यता की बात की गई है, उसको कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो कम से कम ये चीज़ें होने के पास होनी चाहिए। और इसके बाद अगले सेक्शन में ये है कि 359 में यह है कि उसके कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो कि राष्ट्रपति के लिए रखी गई हैं। राष्ट्रपति संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई अन्य लाभ का पद उसे धारण नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा उसका वेतन और भत्ता उसके समय में, उसके कार्यकाल के समय में कम नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं 60 पर। राष्ट्रपति को अपनी एक शपथ लेनी पड़ती है, और उसको शपथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, या फिर जो है अगर CJI नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जिसको महाअभियोग कहते हैं। महाअभियोग जो है केवल एक आधार पर लाया जा सकता है, वो आधार है संविधान का उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन में काम कर रहा है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए, और जो बहुमत है वो दोनों सदनों, प्रत्येक सदन की 2/3 सदस्य, कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होगा, तभी जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 62 में ये व्यवस्था है, और 62 में रिक्ति को भरने के बारे में है। रिक्ति के भरने के बारे में, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में कहा गया है। अब 62 में ये व्यवस्था, 63 में व्यवस्था है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में व्यवस्था है कि राज्यसभा का वो पदेन उपसभापति, पदेन सभापति होगा, यानी राष्ट्रपति जो भी होगा वो पदेन जो है उसका अपने आप राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का अध्यक्ष मान लिया जाएगा। 65 में है कि राष्ट्रपति का पद अतिरिक्त है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। और 66 में ये व्यवस्था है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य उसको चुनेंगे, चुनने की व्यवस्था, राष्ट्रपति को चुनने की व्यवस्था है, संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति को चुनेंगे। और 67 में व्यवस्था है कि 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होगा, और 69 में यह है कि उसको एक शपथ ग्रहण करनी होगी, और 70 में है कि राष्ट्रपति के कॉन्टिंजेंसी, अगर कोई ऐसी कॉन्टिंजेंसी आ गई जिसमें राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उस पर काम करेगा, और 72 में है क्षमादान की, उसकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, और 73 में है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वहाँ तक राष्ट्रपति की भी शक्ति व्यापक होगी या उतनी बड़ी होगी। अगले उस पर आते हैं, 245। अब आते हैं शक्तियों के वितरण पर, कैसे जो 7वीं अनुसूची बनाई गई है उसमें शक्तियों का वितरण किया गया है, उसके आधार पर 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय सूची, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। 245(1) में व्यवस्था है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण भाग, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में और या उसके किसी भाग के लिए, और राज्य विधान पूरे विधान पूरे राज्य के संपूर्ण क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए कोई भी कानून बना सकता है। 245 के अंतर्गत एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी आता है,
संसद चूंकि एक बिजी संस्था है इसलिए सभी कानून नहीं बना सकती है, इसलिए संसद बहुत सी शक्तियों को डेलीगेट कर देती है, और जब डेलीगेट कर दी जाती है तो उसके पास दोहरा कंट्रोल उसके ऊपर लगा, उस संस्था के ऊपर लगाया जाता है। एक तो जुडिशियल कंट्रोल होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट देखता है कि संविधान के अनुसार ये सही है कि नहीं सही है, और दूसरा जो है जो आपकी संसद है वो भी उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में जो इस प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में कुछ राज्यों ने मिलकर के कुछ शक्तियाँ केंद्र को दे दी थी जो, और बाकी सारी शक्तियाँ उन्हीं के पास हैं। इस प्रकार से वहाँ केवल एक केंद्रीय सूची है जिस पर संघ जो है कानून बनाता है। लेकिन वहाँ पर इसी के फलस्वरूप कई बार वहाँ पर युद्ध भी हुए और अंतर राज्यों ने विरोध भी किया, इसके कारण काफ़ी ढीला ढाला परिसंघ है। तो और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी स्थिति थी, ऑस्ट्रेलिया ने भी राज्यों से कुछ शक्तियां ले ली और उन शक्तियों के लिए उसके पास एक केंद्रीय शक्ति हो गई और बाकी सारी शक्तियां राज्यों के पास हैं। लेकिन कनाडा ने इन सब का अनुभव किया था और इसलिए कनाडा का जब संविधान बना तो कनाडा ने अपने लिए एक अलग से कानून बनाया। उन्होंने कहा कि एक तो केंद्र की सूची होगी और एक राज्य की सूची होगी, और अवशिष्ट शक्तियों का उन्होंने वहाँ पर निर्धारण संविधान में तो नहीं किया लेकिन यह कह दिया कि जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी वो सब केंद्र सरकार के पास रहेंगी, यानी कि मजबूत केंद्र की वकालत की थी। भारत के जो संविधान निर्माता थे उन सब ने इसका अध्ययन किया और ये समझा कि भारत में एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरेशन को अपना लिया और इन्होंने सातवीं अनुसूची के आधार पर कि जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इन्वॉल्व है। 245(2) में ये है कि भारत सरकार अगर ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू होता है, यानी भारत की टेरिटरी के बराबर बाहर भी होता है, तो कोई सरकार इसको जो है अब अवैधानिक नहीं बता सकती यहाँ की राज्य की सरकार। हो सकता है कि वो कानून वहाँ तक अपराधियों के लिए लागू हो और फिर उस देश के कानून में किस हद तक वो लागू हो सकता है, इसलिए वहाँ तक वो वैध हो सकता है। 246 में ये कहा गया है कि संसद जो भी कानून बनाएगी एक उसको एक्सक्लूसिव पावर है, अनन्य शक्तियाँ उसके पास प्राप्त हैं कि वो राज्य सूची पे कानून बना सकती है। और इसी प्रकार से जो समवर्ती सूची है उस पर जो है उसके अंतर्गत रहते हुए, यानी कि केंद्र की शक्तियों के अधीन रहते हुए समवर्ती सूची पर राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। इसके अलावा राज्य सूची पर अनन्य शक्ति उसको प्राप्त है वो जो है, लेकिन उसको ये ध्यान देना होगा कि वो 1 और 2 के अधीन रहेगी। 1 और 2 ऐसा तो नहीं है कि वो राज्य और केंद्र की शक्तियों के विरुद्ध जा रहा है। राज्य अपनी शक्तियों को के अंतर्गत पूरा अनन्य शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं, लेकिन उसके कानून को राज्य के किसी कानून से टकराना नहीं चाहिए। और अंत में आखिरी में 246 में ये है कि अगर किसी ऐसे विषय पर जो बचा हुआ विषय है वो सभी केंद्र सरकारों के पास चला जाएगा, केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। 246 का जो कि 121 संविधान संशोधन द्वारा आया था, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि राज्य और केंद्र दोनों GST यानी टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर, सेवाओं पर और वस्तुओं पर कर लगाएंगे और केंद्र सरकार ऐसे कानून बनाएगी जो कि इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट है उस पर वो कानून लगेगा, और अगर राज्य के अंदर की कोई चीज़ है तो उस पर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो गुड्स सर्विसेज GST उस पर राज्य सरकार लगाएगी। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 247 का है कि केंद्र की किसी सूची से संबंधित प्रशासन के लिए, अगर 247 में अगर केंद्र ये समझता है या संघ सरकार ऐसा समझती है कि कोई ऐसी सूची के लिए एक न्यायालय बना दिया जाए, एक अलग से कोई ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, तो वो न्यायाधिकरण बना सकती है जिससे कि और आसानी उसकी व्याख्या करने में, उसको लागू करने में आसानी होगी। 248 में रेजुलरी पावर्स हैं यानी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ सब जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास हैं। न्यायालय जो है, अब न्यायालय ये भी देखेगा कि जब रेजुलरी पावर्स की व्याख्या करने में कभी कभी गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ इस प्रकार से होती हैं कि जो संविधान का निर्वचन है वो सुप्रीम कोर्ट करता है,
तो जो सूचियाँ हैं उसमें कई ऐसे विषय लिखे हुए हैं कि जो विषय एक दूसरे से टकराते हैं या लगभग एक ही तरह के विषय हैं, तो उस पर कभी राज्य सरकार भी कानून बना देती है और केंद्र सरकार भी कानून बना देती है, और उन कानूनों में कभी कभी ये होता है कि निश्चित नहीं हो पाता है कि किस तरह का कौन किसका कानून सही है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिथ एंड सब्सटेंस का नियम लागू हुआ, उसमें देखा जाएगा कि जो ट्रू स्पिरिट है संविधान की वो क्या है, और दूसरा ये है कि उसकी अधिकतम व्याख्या की जाएगी और उसकी जितनी वाइड व्याख्या हो सकती है, और बाद में एक हारमोनियस सामंजस्यपूर्ण उसका हल निकाला जाएगा। इसके अलावा ये भी है कि कुछ राज्य या केंद्र जो कि शक्तियाँ जिसके पास होनी चाहिए वो हैं, लेकिन उसको वो अतिक्रमण करते हैं, और अतिक्रमण किस प्रकार करते हैं, डिस्गाइज तरीके से करते हैं, यानी कृत्रिम तरीके से करते हैं, और इस प्रकार से वो दूसरे की शक्तियों में, केंद्र राज्य की शक्तियों में घुस जाता है और राज्य केंद्र की शक्तियों में चला जाता है। ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है और सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कलरेबल लेजिस्लेशन है, कलरेबल लेजिस्लेशन को वो स्टक डाउन कर देता है और वास्तव में देखता है कि जो संविधान की स्पिरिट है उसके आधार पे किसको जो है इसका वो करना चाहिए, किसके पक्ष में जाना चाहिए, उसी को वो कानून बनाने के लिए देता है। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 249 पर। संविधान का अनुच्छेद 249 ये बताता है कि अगर राज्यसभा चाहे, राज्यसभा अगर चाहे तो कोई भी विषय जो कि राष्ट्रीय हित में है, और अगर उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य जो है उसके पक्ष में वोट देते हैं, तो कोई भी विषय संसद उस राज्य के विषय को केंद्र के विषय में, केंद्र में कानून बना सकती है। यानी इसका अर्थ ये कि राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि जो राज्यसभा की सूची का विषय है अगर उसमें राष्ट्रीय हित दिखाई पड़ता है और राष्ट्रीय हित में 2/3 सदस्य राज्यसभा के जो उपस्थित सदस्य हैं वो अगर मत दे देते हैं कि इस विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाना उचित होगा, तो वो राज्य का जो विषय है उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब आते हैं 250 पर। 250 में ये है कि जब 352 के अंतर्गत आपातकाल देश में लगा हुआ हो, यानी सशस्त्र आक्रमण भारत पर हुआ हो, या फिर भारत पर एग्रेशन हुआ हो, बाह्य आक्रमण हुआ हो, ऐसी दशा में जब आपातकाल लगाया जाता है तो आपातकाल लगाने के समय जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और इसी प्रकार से 251 में ये लिखा गया है कि 249 और 50, 249 में है कि राज्यसभा द्वारा कोई विषय केंद्र सरकार के पक्ष में आता है, और 250 में है कि उसके द्वारा 352 का जो आपातकाल है उसके द्वारा केंद्र के पास राज्य की शक्तियों के पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी दशा में 251 कहता है कि केंद्र की विधियों से अगर कोई विधि राज्य की टकराती है तो केंद्र की शक्ति जो है वो अभिभावी होगी, यानी उसके ऊपर प्रिवेल करेगी, यानी जो केंद्र का कानून होगा वही कानून माना जाएगा और राज्य का कानून नहीं माना जाएगा। और 252 में ये व्यवस्था है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर ये कहते हैं कि राज्य सूची का ये विषय है और इस विषय को वो अपने अपनी विधानसभाओं में संकल्प पारित करते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य अपनी विधानसभाओं में संकल्प पारित करते हैं कि राज्य सूची का जो विषय है उसको केंद्र सरकार कानून बनाए और वो उसको मानेंगे, तो केंद्र सरकार इस प्रकार जो राज्य इस तरह का संकल्प केंद्र सरकार के पास सौंपते हैं, केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है और वो कानून लागू किया जा सकता है। और इसके बाद 253 में ये व्यवस्था है कि जो हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जो हम दूसरे देशों से संबंध करते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत, उन चाहे वियना कन्वेंशन हो या और ढेर सारी ट्रीटी हैं जिस पर हम वो करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, तो ऐसी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उसको लागू करने के लिए अगर कोई नियम बनाना है तो पूरे भारत में वो कोई भी उसको कानून हम बना सकते हैं और पूरे भारत में वो लागू होगा, उसमें राज्य की कोई सूची उसमें बाधा नहीं बनेगी। और 253 में ये व्यवस्था है कि अगर जो है केंद्र 254 में है कि अगर जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उसमें अगर कहीं असंगति है, ख़ासतौर से जो कानून आपके समवर्ती सूची पर बनाए जा रहे हैं अगर उनमें कहीं असंगति आ रही है, कहीं उनमें दोनों में विरोध हो रहा है केंद्र के कानून और राज्य के कानून में, तो जो राज्य केंद्र सरकार का कानून समवर्ती सूची के बारे में होगा वो उसके ऊपर अभिभावी होगा।
और इसी प्रकार से 255 में 254, और इसके बाद ये व्यवस्था है कि हम कैसे 249, 250, 252, 253 या 354 के अतिरिक्त अगर कोई अन्य परिस्थिति है तो राज्य की शक्तियों के ऊपर, राज्य के दिए गए जो भी उसको राज्य सूची है उस पर कानून केवल राज्य ही बनाएगा। 255 में ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व मंशा, पूर्वानुमति के बिना अगर कोई कानून पेश कर दी, कोई बिल पेश किया जाता है, पारित हो जाता है, तो ये एक प्रक्रिया की भूल मानी जाएगी और इस आधार पे बिल को इनवैलिड नहीं माना जा सकता है। तो आपने यहाँ तक आज समझ लिया है, तो हम इसके आगे आपको फिर जो संविधान के अनुच्छेद बचे हुए हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।